जगदलपुर जिले के आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने चुनाव से पहले राज्य सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के बैनर तले सहायिकाओं ने 3 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले सहायिकाओं की मांग पूरी नहीं होने पर चुनाव में सबक सिखाने का ऐलान किया है। वहीं महंत राम सुंदर दास ने आंगनबाड़ी सहायिकाओं की मांग को जायज बताते हुए राज्य सरकार को इन विषय में संज्ञान लेने के लिए चर्चा करने का दावा किया है और चुनाव के बाद मांग पूरा करने का भरोसा दिलाया है। आज की बैठक हम लोग कोई हड़ताल के उद्देश्य में नहीं किए हैं, क्योंकि हड़ताल के बाद हमारी संभागीय बैठक नहीं हुई थी, जिसकी समीक्षा का बैठक आज रखा गया था और रखा गया है। और ये जो है अभी हमारे प्रधान माननीय प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं, उनके लिए हम लेटर तैयार किए हैं। हम तो वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी बात आप लोगों के माध्यम से हम उनको पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि ये हम जो है आंगनबाड़ी महिला बाल विकास जो है केंद्र सरकार की स्कीम है, जिसके जिसमें वो हमको 4,500 ही देती है केंद्र सरकार, उसके एवरेज पे हमारा बहुत कम है। एक शिक्षक के बराबर हम काम करते हैं, जो सुबह 9 बजे से लेकर हम 4:30 बजे 3:30 बजे बाद भी, उसके बावजूद भी हम लोग का काम एक्स्ट्रा होता है। तो हम चाहते हैं कि मोदी जी से कि हमको रेगुलर कर्मचारी की दर्जा दें, जो जबकि हमारा महिला बाल विकास में एक प्यून भी रेगुलर कर्मचारी कहलाता है, जो जिसकी की योग्यता भी नहीं होती है। हमारे पास आज हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेजुएट हैं, अच्छी अच्छी योग्यता वाले हैं, तो फिर क्यों नहीं हो सकते हमारे कार्यकर्ता रेगुलर कर्मचारी, क्यों कसास के कर्मचारी नहीं बन सकते। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।